My dear friends, having read the thumbnail, you will have understood what we are going to read now. We are going to read some most important idioms and phrases. आज हम लोग कुछ most important idioms and phrases को पढ़ने जा रहे हैं. So let us start without any further delay. तो first है at sixes and sevens. It means in disorder. मतलब इधर उधर बिखरा हुआ. When I came home. I found my books at sixes and sevens. जब मैं घर आया तो अपने बुक को इधर उधर पाया. So to live in an ivory tower, it means to live in an imaginary world. मतलब काल्पनिक दुनिया में रहना. If you think of an honest and unselfish leader in today's politics, it means you are living in an ivory tower. यदि आप आज की राजनीति में ऑनेस्ट इट मीन्स ईमानदार और निस्वार्थ सेवा के बारे में सोचते हैं, इसका मतलब आप काल्पनिक दुनिया में रहते हैं. नेक्स्ट हमारा टू स्मेल ए रैट, इट मीन्स टू सस्पेक्ट समथिंग. शक करना. क्या शक करना? ही हैज नॉट कम येट, आई स्मेल ए रैट. वो अभी तक नहीं आया है, मुझे कुछ दाल में कला लगता है. नेक्स्ट है टू बरी द हैचेट, इट मीन्स टू मेक पीस, यानी दुश्मनी को भुला देना. यानी हम सेंटेंस बनाएंगे, लेट अस बरी द हैचेट नाउ एंड बी फ्रेंड्स. चलो अब हमने दुश्मनी को भुला जाए और पुनः दोस्त बन जाए. नेक्स्ट है ए डॉग इन द मेंसर, इट मीन्स ए पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम एंजॉयिंग समथिंग दैट इज यूजलेस टू हिम. इट मीन्स लोग ये कहावत कहते हैं कि न अपने खाओ और न दूसरे को खाने दो. यानी ही इज ए डॉग इन द मेंसर, मतलब वह एक ऐसा आदमी है जो न खुद खाता है और न खाने देता है. मतलब अपने भी आनंद नहीं करता है और दूसरों को भी आनंद नहीं करने देता है. नेक्स्ट है टू बाइट द डस्ट, इट मीन्स टू बी डिफीटेड, हार जाना, धूल चटना. डोंट टेक एन एक्शन अगेंस्ट हिम, यू माइट हैव टू बाइट द डस्ट. उससे पंगा मत लो, वो सही है कि तुम्हें धूल चटना पड़ जाए. नेक्स्ट है ए क्वीर पीस, इट मीन्स ए स्ट्रेंज पर्सन, अजीब आदमी. He is a strange person. वह भी अजीब आदमी. Next है to read between the lines. It means to understand the secret meaning. यानी गुप्त मीनिंग को समझना, जो छिपा हुआ है उस मीनिंग को समझने के लिए बोला जाता है to read between the lines. जैसे he is not a simple teacher. He can read between the lines. वो कोई simple teacher नहीं है. वो गुप्त मीनिंग को find out कर सकता है, पता लगा सकता है. Next है bread and butter. It means livelihood. यानी जीविका. These days everybody is in search of his bread and butter. आजकल हर कोई अपने जीविका के तलाश में है. Next है to pay through one's nose. It means to pay an extremely high price. यानी कोई सामान जितना मूल्य है उससे अधिक पे खरीदना, ज्यादा पैसा देकर खरीदना, उसी को बोला जाता है to pay through one's nose. जैसे हम कहें कि he had to pay through His nose for this mobile. इस मोबाइल के लिए उससे आवश्यकता से अधिक चुकता करना. My dear friends, if you like my way of teaching, please do like, share and subscribe the channel.